हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं अभी। और कई सारे सवाल बीच में आए हैं मुझे कि क्यों बंद हुई है, कब शुरू होगी, कैसे होगा। ठीक है, तो मल्टीपल पॉइंट्स पे मल्टीपल रीजंस थे क्लास नहीं शुरू होने के, जिसमें मेरी हेल्थ ख़राब होना इज़ वन ऑफ देम। और अभी हियर ऑनवर्ड्स टू कंटिन्यू, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरी लगता है मैं आपकी बैच 15 to 20 मिनट्स एक्सटेंड करने वाला हूँ। मतलब जो हम लोग 55 मिनट्स का बैच लेते थे, अब वो 55 मिनट्स ना लेके 1 hour 15 मिनट्स, 1 hour 20 मिनट्स तक लूँगा, जहाँ भी मुझे लगता है कि मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। ठीक है, कहीं अगर हैवी टॉपिक चल रहा है या कहीं मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ ज़्यादा थिंकिंग वाली है, वहाँ पर शायद मैं टाइम एक्सटेंड ना करूँ। बट जहाँ पर थोड़ी लाइट सॉल्विंग चालू है या जहाँ पर मुझे लगता है कि ठीक है अभी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैं 15-20 मिनट एक्सटेंड कर दूंगा आपका बैच। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट जो फिनिश किया था दैट वाज 1.9। हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स देखा था, हम लोगों ने बहुत सारे लॉ देखे थे। आई होप आप लोगों ने अब तक का सब कुछ रिवाइज करके रखा होगा। ठीक है, इतना टाइम मिलने के बाद अब तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है आपके पास पिछला रिवाइज ना करने का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम्स, ठीक है, वेन डायग्राम्स में अभी हम लोगों को स्टेटमेंट्स, कुछ पर्टिकुलर टाइप के स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है इन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम्स हम लोगों ने जो 11th में स्टडी किए हुए हैं, एक यूनिवर्सल सेट होता है, वो यूनिवर्सल सेट के अंदर हम लोग कुछ कुछ चीज़ें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो सेट होते हैं दो सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स, कंपल्सरी नहीं है बट कन्वेंशनली हाँ हम लोग सर्कल्स यूज करते हैं। एंड द यूनिवर्सल सेट जो सबसे बड़ा सेट हो दैट इज रिप्रेजेंटेड एज अ रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को नॉर्मली यू या फिर एक्स ऐसा नाम दिया जाता है। ठीक है, सच टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम। अब हमारा काम यह है कि कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को वी नीड टू रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, ये हमसे कहा गया है। देखते हैं वो स्टेटमेंट्स किस टाइप के हैं। द फर्स्ट टाइप इज ऑल एक्स आर वाइस। ठीक है, द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज ऑल एक्स आर वाइस। ठीक है, सारे एक्स वाई है। नाउ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन आप किसकी बात कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए उसके लिए। ठीक है, लेट अस गो थ्रू दिस एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल के थ्रू समझना बेटर रहेगा। यहाँ पे आपको बोला है ऑल मैड पर्सन आर इन हॉस्पिटल्स। ठीक है, सारे के सारे मैड पर्सन हॉस्पिटल में है। फाइन, हमको सोचना यह है कि ठीक है सारे मैड पर्सन हॉस्पिटल में है। फाइन, हॉस्पिटल में कोई और भी है क्या, हॉस्पिटल में कोई और भी है क्या, या सिर्फ मैड पर्सन ही है। तो यहाँ पे ऑल मैड पर्सन आर इन हॉस्पिटल ये बोला है, लेकिन हॉस्पिटल में और भी कुछ हो सकता है, और भी कोई हो सकता है। तो हॉस्पिटल बिकम्स अ बिगर सेट। मतलब अगर मैं वेन डायग्राम में इसको लिख के बताऊं, अच्छा आई एक्सपेक्ट यू टू राइट ऑल दीज एग्जाम्पल्स इन योर नोटबुक्स। ठीक है, आप क्या करोगे, वेन डायग्राम का हेडिंग डालोगे आपके नोटबुक में, ऑल एक्स आर वाइज ये टाइप का हेडिंग डालोगे। इसके नीचे पहले यहाँ पे दो रिप्रेजेंटेशन आने वाले हैं। ठीक है, ऑल एक्स आर वाई के नीचे दो रिप्रेजेंटेशन आने वाले हैं और फिर ये दो एग्जाम्पल सॉल्व होंगे, ऐसा करना है आपको। ठीक है, तो राइटिंग वाइज हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, द फर्स्ट टाइप इज ऑल एक्सेस आर वाइज। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइप। यहाँ पे आप थोड़ी जगह छोड़ दो 3-4 लाइन के, जहाँ पे दो डायग्राम्स आने वाले हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं आपको ये सिर्फ एक बार करके बता रहा हूँ कि राइटिंग पैटर्न क्या रहेगा। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑल मैड पर्सन आर इन हॉस्पिटल।
ऑल मैड पर्सन्स आर इन हॉस्पिटल। ठीक है, अब ऑल मैड पर्सन्स आर इन हॉस्पिटल मतलब सारे के सारे मैड लोग हॉस्पिटल में है, फाइन। बट मेरा क्वेश्चन ये था कि हॉस्पिटल में कोई और भी है क्या? तो हॉस्पिटल में कोई और भी हो सकता है, तो हॉस्पिटल बिकम्स अ बिगर सेट। तो यहां पे मेरे सॉल्यूशन में हॉस्पिटल विल बी अ बिगर सेट, और सारे के सारे मैड पर्सन हॉस्पिटल में है मतलब सारे के सारे मैड पर्सन हॉस्पिटल के अंदर रहेंगे। ठीक है, सारे के सारे मैड पर्सन हॉस्पिटल के अंदर रहेंगे। तो द स्टेटमेंट सेड ऑल मैड पर्सन आर इन हॉस्पिटल, तो हमने सारे के सारे मैड पर्सन को हॉस्पिटल में बिठा दिया, फाइन। अब हम लोगों को इसका यूनिवर्सल सेट बनाना रहता है। हर बार एक यूनिवर्सल सेट लगेगा। अभी ये जो M वाला सेट है, ये M वाला सेट इज सेट ऑफ मैड पर्सन, ये जो H वाला सेट है दिस इज सेट ऑफ अदर पर्सन इन हॉस्पिटल, अदर नहीं एक्चुअली सेट ऑफ ऑल पर्सन इन हॉस्पिटल। तो बाहर मुझे एक यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा X, और नीचे मुझे लिखना पड़ेगा कि ये सेट क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई विल राइट दैट सेट M रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल मैड पर्सन, सेट H रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल पर्सन इन हॉस्पिटल, ठीक है, जिसमें कुछ मैड भी है, और X मुझे और बड़ा सेट बनाना है जिसमें ये दोनों आने चाहिए। तो आई विल स्ट्रेट अवे राइट इट एज सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, उसको ये बहुत बड़ा मतलब सब कुछ आ गया उसमें, सारे ह्यूमन बींग्स आ गए, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। तो X बन गया सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, उसमें से H बना सेट ऑफ ऑल पर्सन इन हॉस्पिटल, और उसमें से M बना, M इज सेट ऑफ ऑल मैड पर्सन। अपने को कौन सा स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करना था कि सारे मैड पर्सन हॉस्पिटल में है, तो मुझे मार्क करके दिखाना पड़ेगा वो सारे पर्सन जो हॉस्पिटल में है, मतलब दिस पार्ट, ये पार्ट मैं शेड कर दूंगा। ठीक है, विच पार्ट विल बी शेडेड, द मैड पर्सन हु आर इन हॉस्पिटल, दैट पार्ट विल बी शेडेड, दिस विल बी M। ठीक है, सारे सारे मैड पर्सन जो हॉस्पिटल में है दैट पार्ट विल बी शेडेड। ठीक है, तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल। हम लोगों ने अपने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था स्टार्टिंग में, स्टेटमेंट देखते ही क्या पूछा था कि सारे मैड पर्सन हॉस्पिटल में है, फाइन, बट ये हॉस्पिटल में और भी कोई है क्या? तो क्योंकि ये हॉस्पिटल में और भी कोई था तो हॉस्पिटल का सेट बड़ा बन गया, उसमें सिर्फ मैड पर्सन्स नहीं है और भी कोई तो भी है। ठीक है, तो ये सेट बड़ा बन गया। तो ये हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल। द सेकेंड एग्जाम्पल, ऑल ट्राइंगल्स आर थ्री साइडेड बाउंड फिगर्स। एग्जाम्पल टू, ऑल ट्राइंगल्स आर थ्री साइडेड बाउंड फिगर्स। ठीक है, थोड़ा सिमिलर लॉजिक से सोचता है। टाइप ऑफ सेंटेंस इज सेम, टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज सेम। यहां पे क्या दिया था, ऑल मैड पर्सन आर इन हॉस्पिटल। यहां पे क्या बोला है कि ऑल ट्राइंगल्स आर थ्री थ्री साइडेड बाउंड फिगर्स, तो सारे ट्राइंगल्स थ्री साइडेड बाउंड फिगर्स है। बट थ्री साइडेड बाउंड फिगर्स में और कुछ एक्स्ट्रा आता है क्या, या सिर्फ ट्राइंगल्स आएंगे? ठीक है, तो यहां पे थ्री साइडेड बाउंड फिगर्स में और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, थ्री साइडेड बाउंड फिगर्स आर ट्राइंगल्स।
सारे ट्रायंगल्स थ्री साइडेड बाउंड फिगर्स है। थ्री साइडेड बाउंड फिगर्स का मतलब है तीन साइड वाले बाउंड फिगर्स। बाउंड मतलब सब तरफ से बंद। अगर तीन साइड है और सब तरफ से बंद है तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी ट्रायंगल। तो सारे के सारे ट्रायंगल थ्री साइडेड बाउंड फिगर है। मेरा क्वेश्चन यह है कि थ्री साइडेड बाउंड फिगर में ट्रायंगल छोड़ के कुछ और आएगा क्या? ठीक है, तो देर इज नथिंग एल्स। तो यहां पे थ्री साइडेड बाउंड फिगर का सेट बड़ा नहीं बनेगा, उतना ही बनेगा जितना ट्रायंगल का बनेगा। ठीक है, तो दोनों का एक ही सेट बनेगा, एक ही सेट बनेगा। टी सेट विल बी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, और दूसरे वाले को मैं एस नाम दे रहा हूं। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, एस एस का सेट क्या रहेगा? थ्री साइडेड बाउंड फिगर्स। और हमारे लिए दोनों एक ही सेट रहेंगे, क्योंकि किसी भी सेट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, किसी भी सेट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और एक आएगा यूनिवर्सल सेट, जिसके ये दोनों पार्ट रहेंगे। ठीक है, मैं आपको वापस समझा रहा हूं। हम लोगों ने क्या सोचा, हम लोगों को बोला था कि सारे ट्रायंगल्स थ्री साइडेड बाउंड फिगर्स हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने मान लिया कि सारे के सारे ट्रायंगल्स थ्री साइडेड बाउंड फिगर्स है, ये तो आप बोल रहे हो। फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि थ्री साइडेड बाउंड फिगर्स में कुछ एक्स्ट्रा है क्या? अगर थ्री साइडेड बाउंड फिगर्स में कुछ एक्स्ट्रा होता तो ट्रायंगल बनता ऐसा। थ्री साइडेड बाउंड फिगर और बड़ा बनता था अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा होता तो, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो वो उतना ही बनेगा जितना ट्रायंगल है, तो वो दोनों सेम ही बन गए। तो यहां पे वो ऐसा बन गया, दोनों सेम बन गए। तो विल राइट हियर वेर टी इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एस इज सेट ऑफ ऑल थ्री साइडेड बाउंड फिगर्स। टी इज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, एस इज सेट ऑफ ऑल थ्री साइडेड बाउंड फिगर्स। ठीक है, एक्स नॉर्मली जब ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो मतलब जैसे स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स वगैरह टाइप्स, ट्राइंगल्स वगैरह ये सब आता है, तो विल जस्ट राइट इट एज सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल शेप, सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल शेप्स, उसमें सब आ जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ही बनाना है तो बड़ा बनाओ, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, बट ये उसका पार्ट होना चाहिए। तो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। ऑल मैड पर्सन आर इन हॉस्पिटल, सारे मैड पर्सन हॉस्पिटल में है, लेकिन हॉस्पिटल में कोई और भी है। ऑल ट्राइंगल्स आर थ्री साइडेड बाउंड फिगर्स, ऑल ट्राइंगल सारे ट्राइंगल्स थ्री साइडेड बाउंड फिगर है, बट थ्री साइडेड बाउंड फिगर में और कुछ नहीं है, सिर्फ ट्राइंगल ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो वो सेम बन गया। ठीक है, फर्स्ट वाले में हॉस्पिटल बड़ा सेट बना। तो ये जो ऑल एक्स आर वाइज है, देर कैन बी टू ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, चीज क्या पूछ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट क्या है। तो द फर्स्ट वन इज कि सारे के सारे एक्स वाई के अंदर है, सारे के सारे एक्स वाई के अंदर है। ठीक है, द शेडेड पार्ट विल बी दिस वन, एक्स वाला पार्ट। ठीक है, और द सेकेंड थिंग इज सारे एक्स और वाई सेम है, सारे एक्स और वाई सेम है। इस केस में द शेडेड पार्ट विल बी दिस होल थिंग। ठीक है, आपको चाहिए तो पेंसिल से पूरा शेड करना तो शेड कर लो, और नहीं
तो वो सिर्फ लाइंस खींच सकते हो आप, यहाँ मैंने शेड नहीं किया था एक। हाँ तो आप सिर्फ ऐसे लाइंस भी खींच सकते हो। ठीक है, जस्ट टू शेड दिस पार्ट, जस्ट टू से कि दिस इज द पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो ऑल थ्री साइडेड, ऑल ट्राइंगल्स आर थ्री साइडेड बाउंड फिगर्स, थ्री साइडेड बाउंड फिगर्स में सारे ट्राइंगल्स ही होते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है, तो दे बिकेम सेम सेट। ऑल मैड पर्सन आर इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कोई और भी है, तो हॉस्पिटल बिकेम अ बिगर सेट। ठीक है, तो ऑल एक्स आर वाई में ये दो टाइप की ट्रीटमेंट पॉसिबल है, डिपेंडिंग ऑन एग्जाम्पल। आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, मतलब कभी ये यूज कर लिया कभी ये यूज कर लिया, मन से नहीं कर सकते हो। आपको सोचना पड़ेगा कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा आने वाला है क्या। जैसे हॉस्पिटल में हम लोगों को मालूम था कि कोई एक्स्ट्रा आने वाला है, मैड पर्सन के अलावा भी कोई रहेगा, इट बिकम अ बिगर सेट। ठीक है, इसके साथ वैसा नहीं था, थ्री साइडेड बाउंड फिगर्स के साथ। तो दिस इज हाउ वी नीड टू प्रेजेंट द एग्जाम्पल्स। आपको जो आपके बुक में लिखना है वो ऐसा लिखना है। तो हम लोगों ने वेन डायग्राम का हेडिंग डाला, पहली चीज हम लोगों ने यहाँ पे ये स्टेटमेंट के लिए लिखा ऑल एक्स आर वाइज, उसके नीचे हम लोगों ने उसके ऑल्टरनेटिव्स लिख लिए कि क्या ऑल्टरनेटिव्स पॉसिबल है, और देन उसके एग्जाम्पल्स लिख लिए। दिस वी नीड टू डू फॉर एवरीथिंग, आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है। तो जैसे द सेकेंड स्टेटमेंट इज नो एक्स इज वाई, ठीक है, द सेकेंड स्टेटमेंट इज नो एक्स इज वाई, यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा, यहाँ पे सब जगह फुल स्टॉप रहेगा शायद। ठीक है, नो एक्स इज वाई, इसका सबसे सिंपल फॉर्म आता है, दोनों अलग अलग, एक एक्स एक वाई, एक यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट आप एक्चुअली एक्स से नहीं, यू से डिनोट करोगे, ठीक है, बिकॉज बिकॉज यहाँ पे आप एक्स का सेट ऑलरेडी ले रहे हो, तो यूनिवर्सल को एक्स से मत डिनोट करो, यू से डिनोट करो। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया नहीं एक्चुअली, इट शुड बी डिनोटेड बाय यू, तो क्योंकि हम लोग सेट में ही एक्स और वाई यूज कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल को यू रहने दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस नो सर्कल इज अ ट्राइंगल, तो एक बनेगा सेट ऑफ ऑल सर्कल्स, एक बनेगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, और दोनों में कुछ कॉमन नहीं रहने वाला है। ठीक है, बिकॉज स्टेटमेंट सेज नो सर्कल इज अ ट्राइंगल, दोनों अलग अलग बनेंगे। यहां पे आप क्या बोलोगे, वेर सी इज सेट ऑफ ऑल सर्कल्स, टी इज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, एंड यू इज सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल शेप्स। सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल शेप्स, ठीक है, नो सर्कल इज अ ट्राइंगल, सर्कल अलग ट्राइंगल अलग, ना। इसी का सेकेंड एग्जाम्पल जो है, नो इंडियन इज अ रशियन, अगेन नो इंडियन इज अ रशियन, तो पहला आएगा आई, दैट विल बी सेट ऑफ ऑल इंडियंस, आर सेट ऑफ ऑल रशियंस, और दोनों अलग अलग सर्कल आएंगे, एंड यू रहेगा, दैट विल बी सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स कर सकते हो आप उसको। ठीक है, तो कंप्लीट दिस, यहाँ पे वेर I will be set of all Indians, R will be set of all Russians, U will be set of all geometrical shapes.
सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल शेप्स। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ज्योमेट्रिकल शेप्स कहाँ से लेके आ गया? सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स आएगा इधर। दिस विल बी सेट ऑफ ऑल इंडियंस, सेट ऑफ ऑल रशियंस, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो दिस इज ऑफ द टाइप नो एक्स इज वाई, no x is y. फाइन, आपको वैसे ही फॉर्मेट में लिखना है जैसे आपने इसके पहले वाला लिखा था। देन द नेक्स्ट पार्ट, सम x आर y, द थर्ड पार्ट, सम x's आर y. Again, this involves two things. ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। पहला एग्जाम्पल इज सम सी ए आर एम बी एस। ठीक है, मैं एग्जाम्पल पहले लिख रहा हूं। एग्जाम्पल वन, सम सी एस आर एम बी एस। ठीक है, सम सी एज आर एम बी एस। द स्टेटमेंट सेज कुछ सी ए एम बी ए भी है। ठीक है, तो अगर सी ए ये है, मतलब इफ मैं इसको सी लिखता हूं, दिस दिस इज द सेट ऑफ ऑल सी ए, इनमें से वो बोल रहे हैं कि कुछ एम बी ए भी है, तो ऐसे भी कोई एम बी ए हो सकते हैं क्या जो सी ए नहीं है? ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल, बराबर। एम बी ए ऐसे भी हो सकते हैं जो सी ए नहीं है, तो एम बी ए का सेट विल बी ओवरलैपिंग दिस। एम बी ए में ऐसे भी लोग होंगे जो सी ए है वो यहां पे रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है, और एम बी ए में ऐसे भी लोग होंगे जो सी ए नहीं है वो यहां पे रिफ्लेक्ट होंगे, बराबर। वो अगर एम बी ए का सेट है तो जितना पार्ट ओवरलैप हो रहा है इसका मतलब वो सी ए भी है और एम बी ए भी है, जो पार्ट ओवरलैप नहीं हो रहा है इसका मतलब वो सिर्फ एम बी ए है, सी ए नहीं है। तो जब हम लोगों को ये बोला जाता है कि सम सी एज आर एम बी एज, तो आपको ये सोचना है कि एम बी ए में कोई एक्स्ट्रा भी है क्या जो सी ए नहीं है। ठीक है, तो अगर एक्स्ट्रा भी है तो इट बिकम्स लाइक दिस, इट बिकम्स लाइक दिस। ठीक है, हाईलाइट कौन सा पार्ट करना है आपको? आपको हाईलाइट करना है सम सी एज और एम बी एज, आपको वो सी एज हाईलाइट करना है जो एम बी ए भी है, तो आप ये वाला पार्ट हाईलाइट करोगे। ठीक है, यू नीड टू हाईलाइट दिस, यू नीड टू हाईलाइट दैट पार्ट, मतलब दो सी एज विच आर एम बी एज ऑल्सो, और नीचे आप लिखोगे वेर सी इज सेट ऑफ ऑल सी एज, एम इज सेट ऑफ ऑल एम बी एज, और यू सिंपली सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो सी ए एम बी ए ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसे भी सी ए है जो एम बी ए नहीं है, ठीक है, पॉसिबल, और हमारे पास ऐसे भी एम बी ए है जो सी ए नहीं है, विच इज ऑल्सो पॉसिबल, और हमारे पास ऐसा भी पार्ट है जो सी ए भी है और एम बी ए भी है। ठीक है, दिस इज वन टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दिस इज वन टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम एक्स आर वाई, ये x, ये y,
ये यू एंड दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम एक्स आर वाई. ठीक है, द सेकेंड टाइप, सम इंटीजर्स आर पॉजिटिव, सम इंटीजर्स आर पॉजिटिव. ये एग्जाम्पल थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया. It has to be like this. It has to be some integers are positive integers. मैं सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूं. Some integers are positive integers. ठीक है, अब इसमें कैसा है, मैं अगर ट्री डायग्राम के हिसाब से सोचूं तो इंटीजर्स है, उसमें से कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स है, कुछ नेगेटिव इंटीजर्स है. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सम इंटीजर्स आर पॉजिटिव, कुछ इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं. ठीक है, इस केस में इंटीजर्स इंटीजर्स विल बी अ बिगर सेट, उसमें से कुछ इंटीजर्स पॉजिटिव है. ठीक है, दिस इज हाउ इट विल रिप्रेजेंट, इट विल बी रिप्रेजेंटेड. ठीक है, सम इंटीजर्स आर पॉजिटिव, कुछ इंटीजर्स पॉजिटिव है. ठीक है, मतलब इंटीजर्स में से कुछ पार्ट पॉजिटिव है, ऐसा है वो. So we need to mark that part of integers which is positive. बराबर, आपको यही बोला है ना, some integers are positive integers. तो हम लोग को integers में से वो part highlight करना है जो positive है. अब आप बोलोगे कि हमको कैसे समझेगा कि ऐसा ही करना है, हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं. ये P, ये I, और हम लोग बोल सकते हैं हम लोग क्या सेट बना रहे हैं, वेर द फर्स्ट सेट इज इंटीजर्स का सेट, वेर I इज इंटीजर्स, P सेट इज पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट. पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बराबर, और U, U जो है that becomes set of all numbers, set of all numbers. ठीक है, अब आप बोलोगे कि हमने अगर ऐसा बनाया होता तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी. अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपके इस डायग्राम में कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये सोचो. व्हाट डस दिस पार्ट रिप्रेजेंट, ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. व्हाट डस दिस पार्ट रिप्रेजेंट, इंटीजर्स जो पॉजिटिव है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. व्हाट डज दिस पार्ट रिप्रेजेंट, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो इंटीजर्स ही नहीं है. बराबर, ये वाला जो पार्ट है वो आई के बाहर का पार्ट है. दिस पार्ट
डज नॉट बिलोंग टू आई, वो आई के बाहर है। तो आप ऐसा बता रहे हो कि ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स है, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स है जो इंटीजर्स ही नहीं है, तो दैट विल बी ऑब्वियसली रबिश। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो इंटीजर्स ही नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? तो ऑब्वियसली अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है तो वो इंटीजर के अंदर ही रहेगा, ठीक है? एंड दैट इज वाई हम लोग ये सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इट कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। यहां पे जो वेन डायग्राम आएगा वो इस टाइप का आएगा। हाँ, अगर मुझे बोला होता, इफ दिस एग्जाम्पल वुड हैव बीन सम इंटीजर्स आर पॉजिटिव, बस ठीक है, सम इंटीजर्स आर पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं, सिर्फ इतना, ठीक है? मतलब जहां जो ओरिजिनली यहां लिखा था, सॉरी यानी जो ओरिजिनली यहां लिखा था, अगर वो उतना ही होता तो हां, इट वुड हैव बीन लाइक दिस। यहां इंटीजर्स आते थे और यहां पॉजिटिव नंबर्स आते थे, तो उस केस में ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता था? द इंटीजर्स विच आर नॉट पॉजिटिव। मिडिल वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता था? द इंटीजर्स विच आर पॉजिटिव। तीसरा वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता था? द पॉजिटिव नंबर्स विच आर नॉट इंटीजर्स। तो ऐसे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो इंटीजर्स नहीं है, जैसे 3.7 पॉजिटिव है लेकिन इंटीजर नहीं है, ठीक है? तो पॉजिटिव नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो इंटीजर्स नहीं है, उस केस में दिस रिप्रेजेंटेशन वुड हैव बीन करेक्ट, दिस रिप्रेजेंटेशन वुड हैव बीन करेक्ट। लेकिन मैंने क्वेश्चन चेंज करवाया था, यहां पे हम लोग ने क्वेश्चन ऐसा लिखा है कि सम इंटीजर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो जो दूसरा सेट बना वो पॉजिटिव इंटीजर्स का बना, और पॉजिटिव इंटीजर्स ऑब्वियसली इंटीजर्स के अंदर ही बनने वाला है, ठीक है? तो द सेकेंड टाइप, अच्छा यहां पे हम लोगों ने बनाया नहीं ना, हाँ, द सेकेंड टाइप विल बी रिप्रेजेंटेड हियर, सम एक्स आर वाइज, एक्स में से कुछ पार्ट वाई है, एक्स में से कुछ पार्ट वाई है, एंड द शेडिंग विल बी दिस पार्ट, शेडिंग विल बी दिस पार्ट, ठीक है? सम एक्स आर वाई, तो एक्स में से कुछ पार्ट वाई का है। अगेन, कौन सा अप्लाई होगा ये दिमाग अपने को लगाना है, ठीक है? रैंडमली कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, कभी ये कर दिया कभी ये कर दिया, नहीं कर सकते हो। कौन सा अप्लाई होगा ये अपने को दिमाग लगाना है, बेस्ड ऑन किस चीज की बात कर रहे हो वो। जैसे CA और MBA, ऐसा हो सकता है कि आदमी CA और MBA नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट आ गया। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि MBA है और CA नहीं है, तो यहाँ पे भी थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट आ गया, ठीक है? यहाँ पे इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ऑब्वियसली पूरे के पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स इंटीजर्स के अंदर ही होंगे, ठीक है? तो इसके लिए पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो इंटीजर्स के अंदर रख दिए हम लोगों ने ये यहाँ पे, ठीक है? तो दिस पार्ट इज सम एक्स आर वाइज का रिप्रेजेंटेशन, सम एक्स आर वाइज, ठीक है? The next thing. The next thing is some x are not y. Some x are not y. Some CAs are not MBAs. Some integers are not positive. ठीक है, अब not वाला part बताना है, तो it is exactly same as some x are y's.
हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे ये कट करके बोल रहे हैं सम एक्स आर नॉट वाई, ठीक है। तो मैं थर्ड वाले को ही चेंज करके फोर्थ बना रहा हूँ, आप लोग को अनफॉर्चुनेटली फिर से ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास अनड्यू एडवांटेज है जो मैं ऑब्वियसली उठाऊंगा। सम एक्स आर नॉट वाइज, अब मुझे वो एक्स चाहिए जो वाई नहीं है, विच मीन्स मुझे जो शेडिंग करके बताना है दैट इज दिस पार्ट, ठीक है। मतलब मुझे वो एक्स चाहिए बेसिकली जो वाई नहीं है, तो एक्स का उतना हिस्सा बता दो जो वाई में नहीं है। यहां पे सेकेंड, अगर वो सेकेंड टाइप का है तो मुझे एक्स का वो हिस्सा चाहिए जो वाई में नहीं है, ये वाला बाहर वाला हिस्सा, ठीक है, एक्स वाला हिस्सा। वी नीड सम एक्स आर नॉट वाइज। सिमिलर दो एग्जांपल्स ले रहे हैं हम लोग, सम सी एज आर नॉट एम बी एज एंड सम इंटीजर्स आर नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, वहां भी चेंज करना रहेगा। सम सी एज आर नॉट एम बी एज और सम इंटीजर्स आर नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर मैंने इसको ये किया, कट करके बनाया, सम सी एज आर नॉट एम बी एज, तो मुझे वो सी ए चाहिए जो एम बी ए नहीं है, तो मेरे लिए सिर्फ शेडिंग बदलेगी। अब मुझे वो सी ए शेड करना है जो एम बी ए में नहीं आता, मतलब ये वाला पार्ट। पहले मैं वो सीए बता रहा था जो एमबीए है, तो हम लोग कॉमन कॉमन पार्ट शेड कर रहे थे, जो कॉमन रीजन था वो शेड कर रहे थे, ठीक है। अब मुझे वो सीए बताना है जो एमबीए नहीं है, तो ऑब्वियसली वो सीए वाला पार्ट बाहर वाला पार्ट शेड होगा, ठीक है। आपको दोबारा लिखना है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। सेकेंड चीज जो आपको बोला है, ठीक है, आपको पॉज करके लिखना है तो पॉज करके लिख लो, लेकिन लिखो। सेकेंड चीज, नाउ सम इंटीजर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अब आर पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं, आर नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, आर नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो दिस वॉज द ओरिजिनल थिंग, अब मुझे वो इंटीजर्स बताने हैं जो पॉजिटिव नहीं है, तो ये वाले पार्ट में रहेंगे वो बाहर वाले पार्ट में। दीज आर द इंटीजर्स विच आर नॉट पॉजिटिव, ठीक है, दीज आर द इंटीजर्स विच आर नॉट पॉजिटिव। तो सम एक्स आर वाइज और सम एक्स आर नॉट वाई का रिप्रेजेंटेशन सिमिलर है, सिर्फ शेडिंग में फर्क आया, सिर्फ शेडिंग में फर्क आया, ठीक है। सम एक्स आर वाई में हम वो पार्ट शेड कर रहे हैं जो वाई है, ठीक है, और सम एक्स आर नॉट वाई में हम वो पार्ट शेड कर रहे हैं जो वाई नहीं है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट एवरीथिंग एल्स इज सेम, मैंने एग्जांपल्स भी नहीं बदले, सिर्फ नॉट लगाया। तो दिस इज हाउ वी डू सम एक्स आर वाई, सम एक्स आर वाई। देन द नेक्स्ट वन इज इफ पी देन क्यू, ठीक है। एक बार मैं पीछे का थोड़ा रिवाइज करवा लेता हूं, यहां तक का सब कुछ क्लियर है कि नहीं एक बार समझ लेते हैं। ऑल एक्स आर वाई के दो रिप्रेजेंटेशन देखे हम लोगों ने, एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो सकता है कि सारे एक्स वाई के अंदर है, ठीक है, सारे की सारे एक्स वाई के अंदर है, तो दिस इज वन टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन
कि ऑल एक्स आर वाई, दूसरा रिप्रेजेंटेशन कैन बी लाइक दिस, कि सारे के सारे एक्स वाई है और वाई ही है, बस वाई में कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है, वाई में भी सिर्फ एक्स है। अब ये समझेगा कैसे कि कौन सा यूज करना है, ये डिपेंड करता है कि आपको चीज क्या दी है, उस चीज के हिसाब से सोचो कि ये सेकेंड वाली चीज में कुछ और एक्स्ट्रा है क्या, कुछ और भी इंक्लूड होने वाला है क्या। हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा था तो हम लोगों ने बड़ा सेट बनाया, वहां भाई पागल लोगों के अलावा और भी लोग हैं, थ्री साइडेड बाउंड फिगर में ट्राइंगल के अलावा कुछ नहीं था तो हम लोगों ने बड़ा सेट नहीं बनाया, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा नो एक्स इज वाई, नो एक्स इज वाई सिंपली दो अलग अलग सेट बनेंगे, एक एक्स का सेट एक वाई का सेट, ये बन गया नो एक्स इज वाई, ठीक है। फिर सम एक्स आर वाई, कुछ एक्स वाई है, तो द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन वॉज लाइक दिस, फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन वॉज लाइक दिस, ठीक है। कुछ एक्स वाई है, ठीक है, दिस इज हाउ विल रिप्रेजेंट सम एक्स आर वाई। द सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन विच इज पॉसिबल इज लाइक दिस, इसमें एक्स कौन सा और वाई कौन सा है, तो वॉट वी आर सेइंग इज कुछ एक्स वाई भी है, मतलब एक्स का कुछ पार्ट वाई भी है, एक्स का कुछ पार्ट वाई भी है, ठीक है। तो अपने को ये रिप्रेजेंट करना है, दिस बिकम्स सम एक्स आर वाई। देन सिमिलर रिप्रेजेंटेशन आएगा सम एक्स आर नॉट वाई, अगेन पहला रिप्रेजेंटेशन ये है कि ये एक्स ये वाई, बट हमको रिप्रेजेंट अब वो करना है कि कुछ एक्स जो वाई नहीं है, तो ये पार्ट शेड होगा, ठीक है। सम एक्स विच आर नॉट वाई, विच आर नॉट वाई, और सेकेंड रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ दिस टाइप, ठीक है। अब हम लोगों को वो एक्स रिप्रेजेंट करना है जो वाई नहीं है, तो वो एक्स जो वाई नहीं है इज हियर बाहर, जो वाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट टू बी रिप्रेजेंटेड। शेडिंग में बहुत ज्यादा टाइम पास करना मत, शेड मत करते बैठो, आप अगर ड्राइंग के भी आर्टिस्ट होंगे तो भी शेडिंग में करते बैठो, शेडिंग में कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला, मतलब अच्छी शेडिंग में और बुरी शेडिंग में कोई मार्क्स का डिफरेंस नहीं होने वाला, शेडिंग पे मार्क्स डिपेंडेंट है ऑब्वियसली, बट अच्छी और बुरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बिंदास। फाइन, ये हुए अब तक के चार। नाउ दो स्पेशल केसेस, पहला इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, ये आता है इस टाइप से, शेडिंग होगी इसकी। मीनिंग क्या है इसका, इफ पी देन क्यू का मतलब ये तो है कि अगर पी है तो क्यू है, मतलब अगर P हो रहा है तो Q भी हो रहा है, तो P has to be inside Q, क्योंकि अगर मैंने ऐसा बना दिया उसको तो इसमें ऐसा भी पार्ट आ जाएगा जहां P हो रहा है लेकिन Q नहीं हो रहा है, बराबर। स्टेटमेंट का मतलब ये हो रहा है कि अगर P हो रहा है तो Q भी हो रहा है, बट ये जो डायग्राम है ये डायग्राम का मतलब हो जाता है कि ऐसा भी पार्ट है जहां पे P हो रहा है और Q नहीं हो रहा है, ठीक है, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल।
एग्जाम्पल देखते हैं. इफ अ नंबर इज अ नेचुरल नंबर देन इट इज एन इंटीजर. अगर एक नंबर नेचुरल नंबर है तो वो इंटीजर भी है. ठीक है, ये केस में नेचुरल नंबर ऐसा आएगा और इंटीजर ऐसा आएगा. ठीक है, कि अगर कोई नंबर नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली वो इंटीजर है. दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट कि इफ अ नंबर इज अ नेचुरल नंबर तो वो इंटीजर भी है, तो वो इंटीजर के अंदर आएगा. ठीक है, अनदर एग्जाम्पल. इफ यू आर मैड देन यू विल बी इन हॉस्पिटल. ये वाला अच्छे से समझोगे आप लोग. ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? अगर आप पागल हो तो आप हॉस्पिटल में रहोगे. ठीक है, तो अगर आप पागल हो तो आप कहां दिखने वाले हो, किसके अंदर दिखने वाले हो? अगर आप पागल हो तो आप हॉस्पिटल के अंदर दिखोगे. तो अगर आप पागल हो तो आप हॉस्पिटल के अंदर दिखने वाले हो. ठीक है, इफ यू आर मैड देन यू विल बी इन हॉस्पिटल. तो इफ यू आर मैड यू विल बी सीन इन हॉस्पिटल. हॉस्पिटल के अंदर दिखने वाले हो, तो हॉस्पिटल का सेट, उसके अंदर मैड का सेट. दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इफ पी देन क्यू. ठीक है, क्यू इतना नहीं आएगा, क्यू हॉस्पिटल के साथ आएगा. दिस पार्ट बिकम्स क्यू. तो इफ यू आर मैड देन यू विल बी इन हॉस्पिटल. अगर आप पागल हो तो आप हॉस्पिटल के अंदर दिखोगे. तो ये जो पी पार्ट है ये अंदर दिखेगा, ये अंदर दिखेगा. ये जो क्यू पार्ट है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे पी पार्ट अंदर दिखेगा, क्यू पार्ट जो है वो बाहर दिखेगा. तो अपने एग्जाम्पल में मैड जो है वो अंदर दिखेगा और हॉस्पिटल जो है वो बाहर दिखेगा. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इफ पी देन क्यू. ठीक है, पी विल बी इनसाइड क्यू, पी विल बी इनसाइड क्यू. तो अगर आप पागल हो तो आप हॉस्पिटल में दिखोगे. तो अगर आप नेचुरल नंबर हो तो आप इंटीजर के अंदर दिखोगे. ठीक है, देन द सिक्स्थ इज दिस, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू. पी इफ एंड ओनली इफ क्यू. इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है होंगे तो दोनों साथ में होंगे, नहीं तो दोनों भी नहीं होंगे. विच मीन्स दे आर वन एंड द सेम सेट. होंगे तो साथ में होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, मतलब वो एक ही है. ठीक है, दो सेट एक जान. यहां पे फॉर एग्जाम्पल A triangle is equilateral if and only if it is equiangular. एक ट्राइंगल इक्विलैटरल होगा तभी होगा जब वो इक्विएंगुलर भी है. तो यहां पे सेम सेट आएगा, एक सेट आएगा इक्विलैटरल का, फिर दूसरा सेट में क्यू बना रहा हूं, दैट विल बी फॉर इक्विलैटरल, और बाहर आएगा यू. नीचे क्या लिखेंगे, वेयर ई इज सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल. Q will be
सेट ऑफ ऑल इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। और यू, अब तक तो आपको समझ जाना चाहिए, यूनिवर्सल सेट बनाना है, सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, आप में से कुछ दिमाग पूछेंगे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स बनाया तो चलेगा, चलेगा, बट काय को मस्ती करना। ठीक है, सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, ये हुआ इफ एंड ओनली इफ के लिए। तो इफ पी देन क्यू, ये टाइप का आता है, मतलब पी लाइज इनसाइड क्यू। और अगर इफ एंड ओनली इफ है, इफ एंड ओनली इफ का बेसिक मीनिंग ही वो था कि होंगे तो साथ में होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, तो उस केस में दोनों सेम ही बन जाता है। ठीक है, दे आर वन एंड द सेम सेट। तो दीज आर द सिंबलिक, सिंबलिक नहीं, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, अभी इसमें कुछ चीजें मुझे बतानी है। एफ वाई आई, ठीक है, आप की जनरेशन को मालूम होना चाहिए एफ वाई आई क्या है ना, कुछ चीजें जो आपके पास लिखवा के रखनी है मुझे। ठीक है, सम स्टैंडर्ड वेन डायग्राम्स। सम स्टैंडर्ड वेन डायग्राम्स, पहला, एक तो नंबर सिस्टम का वेन डायग्राम अगर है ना, तो वो नंबर सिस्टम का वेन डायग्राम समझ लो, सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर्स, फिर नेचुरल नंबर्स से बड़ा, सबसे छोटा नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स से बड़ा होल नंबर्स, देन होल नंबर्स से बड़ा इज इंटीजर्स, देन इंटीजर्स से बड़ा इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल और इरैशनल मिला के बनता है रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स मिला के जो बनता है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये नंबर सिस्टम है, दिस इज नंबर सिस्टम। तो नेचुरल, फिर होल, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल, फिर रियल, फिर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दिस इज द नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में कौन सा सेट अंदर रहेगा, कौन सा बाहर रहेगा, ये उसका परफेक्ट जजमेंट है। ठीक है, ये उसका परफेक्ट जजमेंट है, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर और रैशनल नंबर पूछा है, तो रैशनल हमेशा अंदर आएगा और कॉम्प्लेक्स हमेशा बाहर आएगा। ठीक है, रैशनल, सॉरी, रैशनल मतलब क्यू, और कॉम्प्लेक्स हमेशा बाहर आएगा, दैट विल बी सी। ठीक है, दिस इज नंबर सिस्टम, ये आपके पास लिख के रखो। देन दूसरा, जो शेप्स होते हैं, ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स, पैरेललोग्राम्स। ठीक है, एस इज स्क्वायर, आर इज रेक्टेंगल्स, पी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, सिमिलरली रेक्टेंगल्स की जगह रोम्बस डालता तो भी ट्रू हो जाता था,
बिकॉज ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल रोम्बस आर अगेन पैरेललोग्राम्स, ठीक है, तो वो फिर भी सही होता था। तो स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स। देन ट्रायंगल्स के केस में ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल आई इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस होते हैं। तो विश्वास नहीं होता तो बना के देख लो, ठीक है। मैं अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, अगर ये इक्विलैटरल है तो इसकी तीनों साइड सेम है, तभी इक्विलैटरल होगा, ठीक है। मान लो फिलहाल कि तीनों साइड सेम है और ये इक्विलैटरल है, बराबर है। तो अगर तीन साइड सेम है तो दो साइड भी सेम ही होगी ना, बराबर है। अगर तीनों साइड सेम है तो दो साइड सेम रहेगी, तो ऑब्वियसली अगर दो साइड सेम है तो वो आइसोसेलेस भी है, ठीक है। तो सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आइसोसेलेस होते हैं, क्योंकि तीन साइड सेम होती है तो दो साइड भी सेम ही होती है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई ऑल द इक्विलैटरल ट्रायंगल्स विल बी पार्ट ऑफ आइसोसेलेस। तो दीज आर सम स्टैंडर्ड थिंग्स। ये नंबर सिस्टम हो आपका, ये फोर साइडेड फिगर्स और ये थ्री साइडेड फिगर्स, ठीक है। तो हमारा एक्सप्लेनेशन का पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है, वेन डायग्राम्स का। एक्सरसाइज का पार्ट जो है विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैं मिसलेनियस के आपको ये भी करवाऊंगा, मिसलेनियस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ, एंड कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस है विच आर थोड़े से ट्रिकी टाइप्स, ठीक है, मैं वो भी करवाने वाला, वो भी हम लोग साथ में करने वाले हैं, ठीक है। देन फ्यू इंस्ट्रक्शंस। एक मार्केट में एक्स्ट्रा बुक्स आ गई है, ठीक है, नवनीत की भी आ गई है, टारगेट की भी आ गई है। आपका क्या प्रेफरेंस है, आप इंडिविजुअली मेरे से डिस्कस कर सकते हो, बट इट इज़ बेटर टू कीप अ रेफरेंस बुक इन हैंड। दूसरा, आई होप आप लोगों ने टेक्स्ट बुक्स परचेज करके रख ली हो, क्योंकि इसके आगे का वर्किंग विल ऑल बी डूइंग विथ मतलब अलॉन्ग विथ टेक्स्ट बुक। जैसे अभी यहाँ पे नोट्स पे वर्किंग चल रहा है, ये जो पूरे आपको नोट्स दिख रहे हैं, इसके आगे मेरा नोट्स का वर्किंग कम और टेक्स्ट बुक का वर्किंग ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो आप सब लोगों को वो टेक्स्ट बुक्स लेके रखनी है आपके पास। तो अभी तो समझो फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो ऑब्वियसली अभी 7 दिन के बाद ही आपको टेक्स्ट बुक्स वगैरह लेनी है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलता है अरेंज दोज टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, फाइन। देन इसके आगे का पार्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। थैंक यू।